देखिए, पीड़ित परिवार ने अपनी बात रखी और पीड़ित परिवार की जो मांगे थी, जैसे हम सभी लोगों ने देखा कि जो SIT जांच कर रही है, उस जांच की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक में हो रही आ रही है बाहर, तो ये इसको गोपनीय रखा जाए, ये हमारी प्रेयर थी, तो कोर्ट ने इसको कंसीडर कर लिया है। दूसरा है कि केस को ट्रांसफर किया जाए, तो कोर्ट का कहना है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देन आफ्टर। तो मेरा भी वही रिक्वेस्ट था कि ट्रायल जो है वो यूपी के बाहर हो, या तो दिल्ली या मुंबई में, अकॉर्डिंग टू पीड़ित जो भी परिवार है उसके तरफ से। तीसरा है जो सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी आज तो स्टेट कर रहा है, कल उनका क्या होगा, तो उनको तब तक एटलीस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जब तक ये जो केस है पूरा फाइनल ना हो जाए, अपील तक, नॉट ओनली ट्रायल, अपील तक, हाई कोर्ट में भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अगर इसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है तब तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी जाएगा। निर्भया केस में आपने देखा कि ये प्रोसीजर जो है बहुत ही लंबा चलता है, तो तब तक इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें।